महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव तारीखों की घोषणा हो गई है। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीट में और हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों के लिए एक ही दिन 21 अक्टूबर को चुनाव होंगे जबकि 24 अक्टूबर को मतगणना होगी। निर्वाचन आयोग ने शनिवार को महाराष्ट्र तथा हरियाणा विधानसभा चुनाव के साथ उत्तर प्रदेश की विधानसभा उपचुनाव की तारीख घोषित की है। उत्तर प्रदेश की 11 विधानसभा सीट पर 21 अक्टूबर को उपचुनाव का मतदान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। अपनी 7 दिन की यात्रा के दौरान पीएम पहले जर्मनी के फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पहुंचे और 21 से 27 सितंबर तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। दिवाली से पहले कॉर्पोरेट जगत को वित्त मंत्री ने दिवाली का तोहफा बोनंजा के रूप में दिया है। वित्त मंत्री ने शुक्रवार को कंपनियों के लिए कर में बड़ी छूट का ऐलान किया है। इसे पिछले 28 सालों का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार करार दिया जा रहा है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री साधु रंजन ज्योति ने फतेहपुर जिले के अलीपुर कताई मिल के पास निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर निर्माण कार्य की गुणवत्ता जांची। उन्होंने अल्लाह अधिकारियों को मजदूरों को ठेकेदारों व भुगतान का सही समय पर करने की बात कही। पूर्वांचल के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए गठित पूर्वांचल विकास बोर्ड की बैठक आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह ने की। बैठक में पूर्वांचल क्षेत्र के विकास में रुकावट बने 13 विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। एटा के जिलाधिकारी शुक्लाल भारती के आदेश पर शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे 9 शिक्षक शिक्षिकाओं को बर्खास्त कर दिया है। गैरहाजिर रहने के मामले में शिक्षा विभाग ने इन अध्यापकों को नोटिस दिया था। अमरोहा में प्लास्टिक मुक्त अभियान के कार्यक्रम में भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि वो प्रधानमंत्री के सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त अभियान के लिए आगे आएं और प्लास्टिक मुक्त कराने में अपना अहम योगदान दें। मुख्यमंत्री ने गाजीपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने के बाद कहा कि पीड़ितों को 24 घंटे के अंदर राहत सामग्री प्रदान की जाएगी। बाढ़ प्रभावित सभी जिलों के प्रशासन को राहत एवं बचाव कार्य के निर्देश दिए गए हैं। भदोही जिले में गंगा के जल स्तर में वृद्धि देखी जा रही है जो 80 मीटर के ऊपर पहुंच गया है जिससे तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोग दहशत में हैं। जिले के कई इलाकों में गंगा उपजाऊ जमीन का कटान कर रही है। अमेठी में वर्षों से बंद पड़ा कंबल कारखाना स्मृति ईरानी के प्रयास से सरकार के आदेश के बाद शुरू हो गया है। कंबल बनाने वाली मशीनों की आवाज फिर सुनाई देने लगी है। साल 2010 में यह कारखाना बंद हो गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा बुंदेलखंड की अन्ना प्रथा को जल्द से समाप्त करने की मंशा के अनुसार गोवंश आश्रय स्थापित करने की योजना तैयार की गई है। ललितपुर जनपद में 26,000 अन्ना गोवंश संरक्षित कर लिए गए। अयोध्या में राष्ट्रीय पोषण माह के अवसर पर बाल सुपोषण उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सही पोषण देश रोशन, 6 माह के जब हो जाएं अन्ना पोषण अवश्य कराएं जैसे स्लोगन के साथ कुपोषण विरोधी रंगोली बनाई गई। बरेली में प्रधानमंत्री के फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत अब गांव में रहकर गांव के लोग भी योग कर सकेंगे। बरेली के 13 गांव में मॉडल पार्क विकसित किए जाएंगे। इन पार्कों में टहलने के लिए वॉकिंग ट्रैक, ग्रीनरी, योग स्थल आदि की व्यवस्था प्रदान की जाएगी। बाराबंकी जिले की ग्राम पंचायत चंदवारा ने मसौली ब्लॉक के चंदवारा ने सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए लगातार दूसरी बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार पर कब्जा जमाया।